नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। बड़ी खबर इस बीच, सलमान खान जेल से रिहा हो चुके हैं। सेशंस कोर्ट ने दी है जमानत। सलमान खान का काफिला एयरपोर्ट पहुंचा, थोड़ी ही देर में सलमान मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं सलमान खान। ये बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं इस वक्त, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के लिए रवाना हुए हैं सलमान खान, चार्टर्ड प्लेन से सलमान खान मुंबई के लिए रवाना। उनके बॉडीगार्ड शेरा भी मुंबई के लिए रवाना हुए उनके साथ। जोधपुर से सलमान मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं और मुंबई में जो उनका आवास, वहां पर भी सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें आपके सामने, लगातार भारत समाचार हर पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। इस पूरे मामले पर 3 बजे फैसला आया था, जमानत मिली थी सलमान खान को, और 5:30 बजे यानी 2.5 घंटे के अंदर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गईं और 5:30 बजे उनकी रिहाई सामने आई। बहन अलविदा और अर्पिता भी उनके साथ मौजूद। बॉडीगार्ड शेरा भी मुंबई के लिए रवाना हुए हैं उनके साथ। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब जेल से बाहर निकले थे सलमान खान। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत समाचार पर। सबसे पहले उनके बॉडीगार्ड उनके पास पहुंचे थे जिस वक्त जेल से निकले थे सलमान खान। ये हम तस्वीरें आप देख रहे हैं और एयरपोर्ट से सीधे मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त चार्टर्ड प्लेन से सलमान खान रवाना हुए हैं। जेल से बाहर आए, 2.5 घंटे में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार भारत समाचार आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। सलमान खान को बड़ी राहत मिली है, सलमान खान रिहा हो चुके हैं और उसके बाद वो सीधे मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। ये 4 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सलमान जेल से बाहर आए हैं, जोधपुर से सलमान मुंबई रवाना हुए।
बहन अलवीरा अर्पिता भी उनके साथ रवाना हुई हैं। दाखिल हो गए एयरपोर्ट के भीतर। सलमान सलमान देखा जा सकता है, सलमान ब्लू टी शर्ट ब्लू कैप और ब्लू और सलमान यहाँ से दाखिल हो गए एयरपोर्ट के भीतर। सलमान सलमान देखा जा सकता है, सलमान ब्लू टी शर्ट ब्लू कैप और ब्लू दाखिल हो गए एयरपोर्ट के भीतर। सलमान सलमान देखा जा सकता है, सलमान ब्लू टी शर्ट ब्लू कैप और ब्लू और सलमान यहाँ से दाखिल हो गए एयरपोर्ट के भीतर। सलमान सलमान देखा जा सकता है, सलमान ब्लू टी शर्ट। चार तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर वो तस्वीर जहाँ जेल से निकले हैं सलमान खान, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर वो अपने बॉडीगार्ड शेरा के साथ आगे वाली सीट पर गाड़ी में बैठे हुए, तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं एयरपोर्ट पहुंचे, चौथी तस्वीर में एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हुए। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है। सलमान खान 48 घंटे के बाद जेल से बाहर आ गए। वहीं विश्नोई समाज ने इस फैसले के खिलाफ अपर कोर्ट में अपील करने की बात कही है। टाइगर को मिली जमानत, 48 घंटे बाद मिली सलमान को जमानत, 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत, 7 मई को दोबारा कोर्ट में पेश होना होगा। विदेश जाने से पहले सलमान को लेनी होगी इजाजत। सलमान खान ने जेल में काटी 2 रातें। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। सलमान खान को काले हिरण केस में मिली सजा के खिलाफ जमानत मिल गई है। जोधपुर की सेशन कोर्ट ने सलमान को जमानत दी है। 50,000 के मुचलके पर सलमान को जमानत मिली है। अब इस मामले की सुनवाई 7 मई को होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सलमान को विदेश जाने से पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। आपको बता दें कि रविंद्र कुमार जोशी की अदालत ने सलमान खान को जमानत दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सलमान के वकील ने कहा कि हमें इंसाफ की उम्मीद थी और मिल गई। हाँ बिल्कुल, 50,000 रुपए की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। हाँ, वो सारे उसी आधार पर जमानत मिली। एक आपने बड़ा ग्राउंड गिनाया कि 20 साल तक सलमान खान लगा। हाँ, वो सारे ही आधार रहे हैं। सबसे बड़ा दिन माना जाने वाला सारा ही आधार रहे हैं। सलमान के लिए काफी बड़ा दिन है ये तो है। बहुत अच्छा ऑर्डर हुआ, न्याय मिला है। वहीं विश्नोई समाज के वकील ने कहा कि सेशंस कोर्ट से सलमान को मिली जमानत को वो हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री रविंद्र कुमार जी जोशी के द्वारा आज दोनों पक्षों को सलमान खान की ओर से उनके अभियुक्तों तथा सरकारी अधिवक्ता पोखराम जी विश्नोई तथा शिकायतकर्ता मुझे महिपाल विश्नोई सभी को सुना गया है। सबकी दलीलों को सुनने के बाद में उन्होंने अपना जो निर्णय कल से आज पे रखा था, अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड भी प्राप्त हो चुका है। देर रात रविंद्र कुमार जोशी के तबादले के बाद कयास लगाया जा रहा था कि सलमान खान की जमानत पर फैसला कुछ दिनों के लिए टाला भी जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सलमान को कोर्ट से जमानत मिल गई। गुरुवार को जोधपुर की सीजीएम कोर्ट ने सलमान खान को 20 साल पुराने काले हिरण के शिकार से जुड़े मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था, जहां सलमान को 48 घंटे सजा काटने के बाद जमानत मिल गई है और सलमान सलाखों से बाहर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सलमान खान की जमानत पर कल ही सुनवाई पूरी हो गई थी। आज पूरे दिन गहमा गहमी रही। आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि सलमान खान के केस में पूरे दिन आखिर क्या क्या मोड़ आए और क्या क्या हुआ। काले हिरण के शिकार के मामले में जेल जाने के बाद सलमान खान के वकील और परिवार को भरोसा था कि भाईजान को शुक्रवार को जमानत मिल जाएगी, लेकिन सारी जरह के बाद जस्टिस रविंद्र जोशी ने फैसले को शनिवार तक टाल दिया।
लेकिन रात में राजस्थान में जस्टिस रविंद्र का तबादला हो गया, जिसके बाद सलमान की सांस अटक गई कि क्या उनको जमानत मिल जाएगी। आज पूरे दिन कैसी गहमा गहमी रही आपको बताते हैं। सुबह 9:38 बजे जज रविंद्र जोशी कोर्ट के लिए निकले। सुबह 9:47 बजे जज रविंद्र जोशी कोर्ट पहुंचे। सुबह 10:16 बजे सलमान खान की बहन अलवीरा और बॉडीगार्ड शेरा सेशन कोर्ट पहुंचे। सुबह 10:33 बजे सलमान खान की जमानत पर सुनवाई शुरू हुई। सुबह 10:35 बजे कोर्ट रूम में सलमान की बहन अलवीरा और बॉडीगार्ड शेरा मौजूद। सुबह 10:36 बजे सलमान के वकील ने दलील दी, सलमान खान पहले से ही बेल पर हैं, इस आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सुबह 10:38 बजे सलमान खान की जमानत पर दोनों पक्षों को सुनवाई। सुबह 10:43 बजे सरकारी वकील ने सलमान खान की जमानत का विरोध किया। सुबह 10:46 बजे कोर्ट रूम में सलमान के वकील की जज ने जिरह सुनी। सुबह 10:50 बजे केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड कोर्ट पहुंचे। सुबह 10:52 बजे जज ने लंच के बाद जमानत पर फैसला सुनाने को कहा। सुबह 11:16 पर जज जोशी ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। लंच के बाद सुनाएंगे बेल पर फैसला। सुबह 11:21 पर जेल में सलमान खान को सुनवाई पूरी होने की खबर दे दी गई। सुबह 11:23 पर सलमान खान की बहन अर्पिता ने कोर्ट जाने के पहले मंदिर में मत्था टेका। दोपहर 1:58 पर सलमान खान की बहन अलवीरा फिर से सेशन कोर्ट पहुंची। दोपहर 2:59 पर सलमान खान को सेशन कोर्ट से जमानत मिली। दोपहर 3:36 पर सलमान खान की रिहाई के कागज तैयार। दोपहर 3:53 सलमान खान के घर के बाहर जमा हुए फैंस। शाम 4:55 जमानत के कागजात जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। सलमान के बॉडीगार्ड शेरा जमानत के कागजात लेकर जेल पहुंचा, जिसके बाद सलमान को जेल से रिहा कर दिया गया। सलमान की रिहाई के बाद उनके प्रशंसकों में उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं सलमान और उनके परिवार ने भी राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।